हेलो सजनों और सजनियों, इस वक्त मैं हूँ काठमांडू में और मेरे पीछे ये जो जगह दिख रही है इसे बोलते हैं कामदेव मंदिर, कामदेव टेंपल। और मेरे पीछे और भी बहुत सारे मंदिर हैं और इस जगह को बोलते हैं हनुमान ढोका। यहाँ आप जिधर भी नज़र दौड़ाएंगे सिर्फ मंदिर ही मंदिर नज़र आएंगी। ये सब पुराने राजा के समय से बना हुआ है और इधर भी है, हर जगह देखिए। ये सब जो है पुराने ज़माने से बनी है, राजा महाराजा के वक्त की बनी हुई चीज़ें हैं ये। और ये जो है ये देख लीजिए आप लोग, ये टूटा हुआ है जो भूकंप के समय में डैमेज हुआ था। हालांकि भूकंप पे ये सब डैमेज हुआ था, ये सारे के सारे टेम्पल से गिर गए थे और इसे फिर नए सिरे से बनाया गया है। इधर अभी बनाने का काम चल ही रहा है, इधर जितने भी मंदिर टूटे हुए हैं उन सब का रिपेयरिंग का काम। और ये हनुमान ढोका, ये जो जिस जगह पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ इसे बोलते हैं हनुमान ढोका। ये इसी के पास में है सोनधारा, जगह का नाम है, वहीं पे है भीमसेन टावर, वहाँ पे भी मैं चलूँगा। आज मैं यहाँ पे आया हूँ। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बरसाती क्यों पहनाऊँ, तो दरअसल बात यह है कि आया जब से मैं काठमांडू में आया हूँ तब से बारिश ही बारिश हो रही है, बारिश ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो मैं बरसाती पहन कर ऐसे ही निकल गया कि चलो आज बारिश में ही भीगते हुए ब्लॉगिंग करेंगे। और प्रॉब्लम ये था कि भीगते हुए कैमरा भिगाना मुश्किल था, कैमरा को भिगाने पे दिक्कत हो जाता है, तो पानी घुसने का डर था। इसलिए मैं आकर के यहाँ बैठा हूँ पिछले 4 घंटे से इसी टेंपल के पास। देखिए इसके ऊपर लोग बैठे हुए हैं, सारे लोग जैसे बैठ करके मस्ती मजाक कर रहे हैं इसी तरह मैं भी बैठा हुआ था और मैं इंतज़ार कर रहा था बारिश के छूटने का। यहाँ पे सब लोग आते हैं और खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं, कैमरा वाले भी रहते हैं यहाँ पे और हम तो भाई अपने कैमरे के साथ हैं। ये मेरे पीछे जो है इसका नाम मैंने कहीं पढ़ा नहीं कि कहाँ क्या लिखा हुआ है। ये भी कोई एक ऐतिहासिक जगह है और ये सब पुरानी मंदिर है जो भूकंप के टाइम में टूट गया था और इसमें खंभा लगा कर इसे टिकाया गया था और फिलहाल इसे रिपेयरिंग कर दिया गया है, फिर नए सिरे से बनाया गया है। ये सारे मंदिर जो हैं ये बिल्डिंग जो है भूकंप के टाइम में ही डैमेज हुआ था और अब तक इसे बस ये खंभे लगा कर टिकाया गया है, अब तक इसका रिपेयरिंग नहीं हुआ है। हालांकि ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा है मुझे, पर यहाँ पे सारे जितने ये सब बिल्डिंग्स दिख रहे हैं ना, ये बिल्डिंग्स या ये या उस जितने भी टेंपल्स हैं ये सब के सब डैमेज हुए थे भूकंप में और सब को रिपेयरिंग किया गया था, सब का रिपेयरिंग हुआ था। और यहीं पे आप आइएगा हनुमान ढोका, ये इस जगह, और यहीं पे भी आइएगा तो आपको बहुत सी चीज़ें बिकती हुई दिखेंगी। ये बहुत सी एंटिक, ये पता नहीं इन चीज़ों से क्या होता है पर इनके बारे में कुछ खास मुझे पता नहीं। और यहाँ अलग अलग तरीके के झुमके से लेकर के हर चीज़ जो टूरिस्ट लोग खरीदते हैं। और खुकुरी, ये है नेपाल का स्पेशल खुकुरी, ये बेहद ख़तरनाक होता है, गोरखा लोग यूज करते हैं, यहाँ बिकता है और ये सब सरेआम बिकता है। यहाँ पे जो ये मंदिर जितने भी हैं ना टेंपल, इनमें देखने वाली चीज़ पता है क्या है? देखने वाली चीज़ है यहाँ के कारीगरों की कारीगरी, ये सब हाथ से बनाया गया है, ये कोई किसी मशीन से बनाया गया नहीं। ये जो भी आपको दिख रहा ना ये सब चीज़ें हाथ से बनाया गया, इसमें ये सारे डिजाइन हाथ से किए गए हैं, सारे कारीगरी, ये जो मूर्तियाँ बनी हुई है या छोटे छोटे जितने भी आपको जो भी दिख रहा है ये सब कलाकारी हाथ से की गई। यही यहाँ पे एक यूनिक और अमेजिंग दिखता है कि ये सारे काम जो आज से पहले के लोगों ने और अब भी जो भूकंप में टूट गया था रिपेयरिंग जो हुई थी, रिपेयरिंग होने के बाद भी लोगों ने हूबहू बनाया और वो भी हाथ की मदद से, कोई इसमें ये मशीन या किसी चीज़ की जो इस्तेमाल नहीं किया गया है। जितने ये देख लीजिए ये जितनी बनाई गई है, ये देख ये जितनी भी डिजाइन है ये सारे हाथ के मदद से बनाए गए हैं। यहाँ पे नीचे की तरफ आप देखेंगे कि इसमें ये हिरन बनाया गया है, जितने भी ये मूर्तियाँ बनाई गई ये सब हाथ के मदद से बनाई गई। देखिए ये जो चीज़ मेरे पीछे ये लोग घुमा रहे हैं ना लोहे की, जो मैंने वीडियो में दिखाया था कि ये लोहे की बनी, पीतल की बनी हुई है,
इसको घुमाने पे एक तरंग छेड़ता है जो म्यूजिक बनता है, तो उसको जिस तरह घुमा रहे उसी तरह उसमें से म्यूजिक आ रहा है। बड़ा ही अमेजिंग चीज़ बनाया गया है। हमें बस लगा था कि यार ये कोई मसाला पीसने वाला या कोई दवा पीसने वाला चीज़ है, पर नहीं, ये तो तरंगे छोड़ती है। इसको बस ऐसे ऐसे घुमाने पर इसमें से तरंगे छोड़ रही है और म्यूजिक जैसा क्रिएशन हो रहा है। बहुत ही अमेजिंग कलाकारी है दीदी। वैसे इस चीज़ का नाम क्या है? ये सिंगिंग सिंगिंग बॉल। जैसे इसको घुमाने पर इसमें से तरंगे छोड़ती है, म्यूजिक आता है। वैसे इसका नाम सिंगिंग बॉल है, पहले मुझे नाम पता नहीं था इसलिए पहले नहीं बताया। इसका नाम है सिंगिंग बॉल और इसको घुमाने पे जैसे अभी जैसे आप लोगों ने वीडियो में देखा इसे घुमाने पे इसमें से तरंगे छोड़ती है म्यूजिक, इसीलिए इसका नाम सिंगिंग बॉल है। ये जो छोटा वाला है सिंगिंग बॉल, इसका कुछ प्राइस बता सकती है? 700 नेपाली करेंसी वाला इंडियन नेपाल। अच्छा, ये नॉर्मल होता है, इसको ऐसे इसके साइड से घुमाने पे, अंदर से नहीं बाहर से घुमाने पे आता है। इस जगह पे ऐसे ही एंटिक चीज़ें बिकती हैं जो हाथों से बनाया हुआ है। ये सिंगिंग बॉल जो दिख रहा था ये हाथों से बनाया हुआ है और ये पीतल का बना हुआ है और जो लकड़ी है वो लकड़ी है उसमें घुमाने के लिए उसका डंडा। पहले तो मुझे लगा कि ये मसाला पीसने वाला है, पर इसका नाम है सिंगिंग बॉल और बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। उसको जितना घुमाओ उतना ही म्यूजिक म्यूजिक का धुन बनाता है। और भी ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे हैं और मैं अपने ब्लॉग में बहुत सी चीज़ें आप सबको दिखाऊंगा। और यही चीज़ देखने के लिए यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगता है। और ये हनुमान डोका है और आप लोग मेरे वीडियोस में बने रहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में और भी जगह का, जब काठमांडू में आया हूँ तो बहुत मुख्तलिफ जगहों का मैं ब्लॉग करूँगा, वीडियो करूँगा और अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। और आप लोग भी कमेंट करें कि आप लोगों को किस जगह की ब्लॉगिंग देखनी अच्छी लगती है नेपाल में, कहाँ पे मैं जा करके ब्लॉगिंग करूँ, कहाँ पे वीडियो, कहाँ का वीडियो मैं अपलोड करूँ, चीज़ें आप लोग कमेंट में कीजिए।